पर एक इल्ज़ाम है कि आपने ढेर सारे कश्मीरी पंडितों की जान ली। नो, 110 नहीं, जनरल साहब। हमारी पाक किताब में ये लिखा गया है कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। द कश्मीर फाइल्स देख क्यों इमोशनल हुए सेलिब्रिटीज। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे बॉलीग्राफ स्टूडियोज में सोनिका जियाल। दोस्तों, कश्मीरी पंडितों के पलायन की कहानी पर आधारित निर्देशक विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है। फिल्म ने 4 दिनों में 42 करोड़ का बिजनेस कर दिया है। खास बात यह है कि पहले सोमवार के कलेक्शन के मामले में फिल्म ने सूर्यवंशी और तानाजी जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया। द कश्मीर फाइल्स ने सोमवार यानी कि चौथे दिन 15 करोड़ का धमाकेदार कलेक्शन किया है। फिल्म को अपार सफलता मिली है और कई शहरों में शोज भी बढ़ा दिए गए हैं। वहीं कई राज्यों में फिल्म टैक्स फ्री हो चुकी है। हाल ही में बॉलीवुड की मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। अपने जन्मदिन के मौके पर आमिर मीडिया के सामने आए। जब उनसे पूछा गया द कश्मीर फाइल्स आपको कैसी लगी, तो उन्होंने कहा वास्तव में अभी उन्होंने फिल्म नहीं देखी, लेकिन उन्होंने कहा कि फिल्म बहुत अच्छी है और बहुत सफल भी हो रही है। पूरी टीम को उनकी तरफ से बधाई भी दी। वहीं आमिर खान के अलावा निर्देशक आदित्य धर, अभिनेत्री यामी गौतम, कंगना रनौत समेत कई सेलिब्रिटीज ने तारीफ की फिल्म की। आदित्य धर ने लिखा, आपने कश्मीरी पंडितों के कई वीडियोस देखे होंगे जो थिएटर में फिल्म द कश्मीर फाइल्स देखने के बाद हो रहे हैं। ये भाव सच है। ये दिखाता है कि हमने कितने लंबे समय तक अपने दर्द और त्रासदी को दबाए रखा। हमारे पास रोने के लिए कंधे नहीं थे और ना ही हमारी अपील सुनने के लिए किसी के कान खुले थे। वहीं आदित्य के पोस्ट को शेयर करते हुए यामी गौतम ने लिखा, एक कश्मीरी पंडित से शादी की है, इसीलिए मुझे पता है कि इस शांतिप्रिय समुदाय ने कैसे कैसे अत्याचार झेले हैं, पर देश का अधिकांश हिस्सा इससे अनजान है। हमें 32 साल और एक फिल्म की ज़रूरत पड़ी सच जानने के लिए। और वाकई दोस्तों, कश्मीर फाइल्स को देखकर जो भी लोग आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जा रहे हैं। आए दिन सोशल मीडिया पर ये वीडियोस वायरल हो रहे हैं। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी कश्मीर फाइल्स नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज़ को।